सोलन में हिमाचल किसान सभा और मजदूर संगठनों द्वारा एक बार फिर प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन नालागढ़, कंडाघाट, ममलीक व अन्य क्षेत्रों में भी आयोजित किया गया। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज और कुलदीप तनवर की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन सोलन के मिनी सचिवालय के बाहर आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को ये चेताने की कोशिश की गई कि उनका ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि इन कानूनों में अब संशोधन की भी गुंजाइश नहीं है। इंटक के अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने कहा कि सरकार किसानों का शोषण कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, जिसे किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने वाले नहीं है। किसानों के इस संघर्ष में भारत के सभी मजदूर संघ भी उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान 18 दिनों से कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनके समर्थन में अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी इन कानूनों का विरोध कर रही है। अब केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि अब उन्हें हर सूरत में ये कानून वापस लेने होंगे, अन्यथा उनका ये आंदोलन यूं ही जारी रहने वाला है। जगदीश चंद्र भारद्वाज, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आज जो प्रदर्शन हो रहा है वो किसानों के समर्थन में हो रहा है, और ये जो प्रदर्शन है, ये जो किसान आज 18 दिन से दिल्ली के अंदर अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, उनके समर्थन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये प्रदर्शन है। और ये जो प्रदर्शन है ये केवल सोलन में नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान के जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस है वहाँ पर सब जगह ये प्रदर्शन हो रहा है। हमारा कहना ये है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जितने जल्दी हो सके किसानों की मांग माने, और जो कृषि कानून जो टोटल किसान विरोधी है उन कृषि कानूनों को समाप्त करके और जो किसानों की मांग है उसको पूरा करें। ये हमारा कहना है।